इसे बहनें भी बजा सकती हैं, भाई लोग भी बजा सकते हैं, और ये राजस्थानी ढोलक मानी जाएगी, क्योंकि राजस्थानी गाने इस पर बहुत ही अच्छे चलते हैं, यूपी के भी बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन ये राजस्थानी टाइप ढोलक है, तो ये आपको कैसी लगेगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको कितनी समझ आई कितनी नहीं आई ये भी बताएं। और बहनों, आपको, आप अगर नए नए जुड़े हो मुझसे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बहनों, एक बार ही सब्सक्राइब करना है, और आप लाइक करते रहें, मेरी वीडियो को सीखते रहें, और आप शेयर भी करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो बहनों, हम वीडियो शुरू करते हैं, आइए बताते हैं आपको। तो देखो, ये 6 गिनतियों में ढोलक की वीडियो है, तो इसमें हमें पहले थापी वाला हाथ मारना होगा और फिर ये चाटी वाला, बस ये बहुत ही सरल वीडियो है। पहले हमें थापी वाला, फिर चाटी वाला, बस हल्का हल्का ही मारते रहते हैं, और ये थोड़ा तेज मारते हैं, और चाटी वाले को इसमें हमें उंगली नहीं घुमानी, चाटी में हमें सिर्फ इस तरीके से मारना होगा बार बार, बस इतना ध्यान रखना है, एक बार ये और एक बार ये। तो देखो, पहले मैं आपको बजा कर दिखाती हूँ कैसे बजेगी ये। देखो बहनों, ये हमारी इधर ही साइड गिनती गिनी जाएंगी, और ये हाथ तो हमें इसके पीछे पीछे हल्का हल्का मारना ही है, तो हमें इधर ज्यादा ध्यान देना होगा, और इसके बाद में तो ये हाथ चलता ही रहेगा ऐसे, इधर कम इधर ज्यादा दोनों तरफ ध्यान देना होगा, लेकिन हमें अपना ये माइंड ज्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा वो, क्योंकि ये बहुत ही सरल वीडियो है, बहुत ही आसान वीडियो है, इससे आसान और नहीं शायद ही कोई मिले। तो देखो, 4 गिनती हम ऐसे करके थापी में, ये देखो इधर ये थापी का हिस्सा होता है, तो ऐसे 4 गिनती हम 1 2 3 4 इस तरीके से हम 4 गिनती बोलेंगे, और फिर हम बंद बेस लगाएंगे इसमें, ऐसे उंगलियां मोड़ेंगे, और बीच के हिस्सा में जाके 5 6 इस तरीके से 2 गिनती हम थापी में, इसमें गुम्मक में यानी बंद बेस में बोलेंगे, हम इसको गुम्मक भी बोलते हैं बंद बेस भी बोलते हैं, और आप जो भी चाहो सो बोल सकती हो। तो देखो, 2 4 हमें खुले बेस मारने हैं, यानी 4 थापी मारनी है, 1 2 3 4 ऐसे, 1 और उतनी बराबर गैप में फिर दूसरी गिनती 2, ये गैप बराबर होना चाहिए 2 गिनती का, फिर हमें थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। देखो, 1 2 3 4, देखो 3 के बाद में 4 चौथी गिनती हम जल्दी बोलेंगे, चौथी थापी हमारी जल्दी बज जाती है, देखो 1 2 3 4 इस तरीके से माननी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबसे पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें, 4 गिनती तक प्रैक्टिस करें, तो देखो कैसे करेंगी, 1 2 3 4 इस तरीके से, 2 तो हमारी बराबर गैप में चलेंगी, और 3 बोल के चौथी बहुत जल्दी मारनी है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और उससे आगे हम बढ़ाते हैं, तो देखो 5 6 गिनती कैसे बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, 1 2 3 4, 3 4 जल्दी बोलनी है, और 5 6 भी हम 1 2 की तरह बोलेंगे, 5 6 ऐसे, 1 2 3 4, 5 6, 1 2 3 4, 5 6, 5 6, 1 2 3 4, 5 6 इस तरीके से हमें ये थापी का बेस बजाना है, और 2 4 हमें खुले बेस मारने हैं और 2 बंद बेस मारने हैं। आइए आपको चांटी की तरफ दिखाते हैं।
तो देखो हमें चांदी की तरफ कैसे बजाना है। देखो पहले हमें इधर एक गिनती मार बोलेंगे, एक इस तरीके से, फिर हमें हल्का सा ऐसे ऐसे मारना है, एक ऐसे। हमें ये तेज नहीं मारना है चाटी वाला हाथ, और हमें ये दूर भी नहीं ले जाना है, सिर्फ हमें पास में ही रखना है और ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे मारते रहना है। देखो दोबारा दिखाती हूँ, देखो 3 4 हम जल्दी बोलते हैं ना, तो हमें ये हाथ भी जल्दी मारना होगा। बस हमें ये ध्यान रखना है के थापी के बाद में हमें ऐसे करना है, और हमें ना उंगली चलानी ना मैच करना दोनों का, ये पहले मारा जाएगा ये बाद में मारा जाएगा। देखो तो देखो मैं आपको दोनों का मेल करके दिखाती हूँ। राजस्थान का जो ढोल बजता है आपको बिल्कुल उस तरह से ये मेरी ढोलक लग रही होगी। तो देखो कितनी प्यारी बहनों, राजस्थानी ढोल भी, जो राजस्थानी ढोल पे जो डांस करती हैं राजस्थानी लेडीज हैं, तो इस पर वो ढोल वाला डांस भी बहुत मजेदार होगा और गाने भी मजेदार गाए जाएंगे इस पर। इतनी प्यारी ढोलक है, इतनी प्यारी ढोलक की वीडियो है, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत जल्दी आएगी। तो इस पर डांस भी होगा और गाने भी गाए जाएंगे, इतनी अच्छी वीडियो है। तो देखो हम आपको बजा के दिखाते हैं, बिना गिनती के बजा दिखाते हैं आपको कैसी बजेगी। तो देखो बहनों आपको, मुझे पता है आपको ये बहुत ही प्यारी वीडियो लग रही होगी, और इस पे बहनों राजस्थानी लेडी गर्ल तो और ही ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। राजस्थानी लेडीज हैं, इस पर भजन भी बहुत प्यारे प्यारे गाएंगी, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरी बहन राजस्थान में रहती हैं। तो मैंने भी अपने साथ वीडियो डाली थी मैं दीदी के साथ, तो राजस्थानी भजन मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, इसीलिए मैंने उनको रोका था कुछ दिन के लिए, और अपने साथ उनके भजन अपने साथ मैंने YouTube पर डाले हैं। तो इसलिए ये राजस्थानी ढोलक भी बहुत प्यारी, इस पर भजन राजस्थानी बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो मैं आगे आपको बताती हूँ, तो देखो आगे कैसे बजेगी, आपको दोनों हाथ दिखाई दे जाएंगे बराबर में। तो देखो पहले हम इसको मारेंगे एक, फिर इसको मारेंगे, इस पर गिनती नहीं गिनेंगे बहनों, और इस पर गिनती गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः पे हमें थोड़ी सी उंगली मोड़ लेनी है। ये बंद बेस होता है उंगली मोड़ के जो ऐसे मारते हैं, तो हमें दो बंद बेस मारने हैं। देखो पाँच छः ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, इस तरीके से हमें ये वीडियो बजानी है। तो देखो फिर से हम आपको दिखाते हैं, पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार।
तो बहनों मैं आपको राजस्थानी गाना भी सुना के दिखाती हूँ जो मेरी दीदी ने मेरे साथ गाए थे। तो उनमें से मैं एक गाना आपको सुनाती हूँ इस ढोलक पर मैच करके। तो देखो एक माता रानी का सुनाती हूँ। उन्होंने मेरी दीदी ने तो भोले बाबा के माता रानी के लांगुरिया बहुत ही सारे गाए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे। तो देखो माता रानी को सुनाती हूँ। रुन के जुन के करे आओ बाबा, मैंने आपको गाने पर भी मैच करके दिखाई है और आपको उस मैंने सामने भी ढोलक बजाकर दिखाई है और साइड से भी दिखाई है। तो आपके समझ में जरूर आई होगी और आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप मुझे कमेंट जरूर करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।